वो वायरस जिन्होंने कोरोना से पहले आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। रोटा वायरस। रोटा वायरस को चाइल्ड किलर वायरस भी बोला जाता है। ये करीब दुनिया भर में हर साल 5 लाख बच्चों की जान लेता था। ये नवजात बच्चों और 6 से 8 साल के बच्चों में घातक डायरिया फैलाता था, जिससे कई बार बच्चों की जान तक चली जाती थी। यह वायरस बच्चों के साथ साथ कई बार तो युवा और बूढ़े लोगों में भी फैल जाता था, मगर अब इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है। स्मॉल पॉक्स। दूसरे किसी भी वायरस की तुलना में स्मॉल पॉक्स दुनिया के सबसे अधिक लोगों की जान ले चुका है। ये करीब 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ले चुका है, क्योंकि इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 3 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका फेटेलिटी रेट 90% होता है। हालांकि वैक्सीन के जरिए इस वायरस को अब दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मैसल्स। मैसल्स को आम भाषा में खासकर रोग कहा जाता है। पिछले 150 साल में यह करीब 20 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान लेता था। हालांकि अब वैक्सीन के जरिए इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। डेंगू वायरस। डेंगू वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। ये वायरस दुनिया के 110 देशों में पाया जाता है और हर साल करीब 10 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करता है, जिनमें से करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। जिन लोगों को यह वायरस दोबारा जकड़ लेता है, वो अक्सर गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं और कई बार तो वे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। येल्लो फीवर। जब किसी व्यक्ति में येल्लो फीवर की स्थिति बहुत अधिक गंभीर होती है, तो उसकी नाक, आँख, मुँह और पेट से खून आने लगता है। इस स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों में से करीब 50% लोगों की 7 से 10 दिन के अंदर ही जान चली जाती है। येल्लो फीवर आज भी दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों को इन्फेक्ट करता है और करीब 30,000 लोगों की जान लेता है। फ्लू और इन्फ्लुएंजा। फ्लू के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। सबसे खतरनाक फ्लू पैंडेमिक है। पैंडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जो दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा ने 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली। ये अब तक का सबसे खतरनाक फ्लू माना जाता है। ये कोरोना के बाद आज तक का सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस है। रेबीज वायरस। रेबीज को पुराने वक्त से ही एक बहुत अधिक खतरनाक बीमारी माना जाता रहा है। रेबीज की बीमारी चमगादड़ या कुत्ते के काटने या नाखून गड़ाने से भी हो सकती है। इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से अधिकतर मौतें अफ्रीका और सदर्न एशिया में होती है, और इनमें से कुछ मरीज तो इंडिया के भी होते हैं। ईबोला एंड मरबर्गर वायरस। ईबोला एंड मरबर्गर वायरस आज की दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में शामिल है, क्योंकि इनका अभी तक कोई इलाज या वैक्सीन नहीं बनी है, जबकि इन वायरस का फेटेलिटी रेट 90% तक है। इन दोनों वायरस के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। इनसे संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को हेमरेज, फीवर, ऑर्गेन फेलियर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। एचआईवी एड्स। एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया भर में करीब 4 करोड़ लोग एचआईवी वायरस से पीड़ित हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 30 साल से हर साल करीब 20 लाख लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब तक करीब 250 करोड़ लोग इस बीमारी के कारण मर चुके हैं। हेपाटाइटिस बी एंड सी। हेपाटाइटिस बी एंड सी वायरस हर साल करीब 7 लाख लोगों की जान ले लेता है। वर्तमान में यह सबसे खतरनाक बीमारियों में गिना जाता है। यह लीवर पर सबसे पहले अटैक करता है, जिससे लीवर कैंसर या लीवर डैमेज हो जाता है। इस बीमारी में होने वाला लीवर डैमेज परमानेंट होता है, जिसे किसी भी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। हेपाटाइटिस बी एंड सी दुनिया में हर साल करीब 3.5 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है। ये थे कोरोना वायरस के बाद इतिहास और वर्तमान के सबसे जानलेवा वायरस। उम्मीद है आपको वीडियो में मजा आया होगा।